हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइज, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा विंटर स्पेशल डीआईवाई लोशन जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। साथ ही साथ विंटर के मौसम में बहुत लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है, फेस पर कोई ग्लो नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे, ग्लास स्किन हो जाए, तो ये लोशन आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके हैंड्स पर ड्राइनेस हो गई है, सर्दियों के मौसम में पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो इस लोशन को आप अपनी पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस डीआईवाई लोशन को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको कम से कम 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा। 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। तो आपको उस पर 1/2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। आलमंड ऑयल भी हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा। तो आपको इसमें 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई कैप्सूल। आपको इसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करनी है। विटामिन ई कैप्सूल भी आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। और धीरे धीरे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो एक लोशन की तरह तैयार हो जाएगा, एक डीआईवाई क्रीम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की हो जाएगी जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा डीआईवाई लोशन एकदम रेडी हो चुका है। अब आप इसे एक कंटेनर में स्टोर करके कम से कम 7 to 10 days तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और नॉर्मल भी आप इसे कम से कम 7 दिनों तक बाहर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डीआईवाई लोशन, हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इसको आप अपने फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। रात को सोने से पहले भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है, आपके फेस पर कोई ग्लो नहीं रहता। तो आप इस लोशन को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको फिंगर टिप की हेल्प से थोड़ा थोड़ा आपके फेस पर इस लोशन को अप्लाई करना है और उसके बाद मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर होगी। साथ ही साथ मार्केट के महंगे महंगे लोशन यूज़ करने की बजाय आप इस लोशन को ट्राई कीजिए। यह आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाएगा, साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो होगा, आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन होगी। साथ ही साथ आप इस लोशन को अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हैंड्स भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लेग्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ये डीआईवाई लोशन ऐसा है जिसे आप अपने फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। आपके स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा। साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन शाइनी और वाइट एंड ब्राइटन हो जाए, तो इस डीआईवाई लोशन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। तो गाइज़, ये था मेरा डीआईवाई विंटर स्पेशल लोशन। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइज़, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।